हाय, आज हम बनाएंगे बादाम लड्डू। इसको आप एक टाइट कंटेनर में रख के आराम से 2 से 3 वीक्स तक स्टोर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। इसके लिए हम पहले एक नॉनस्टिक पैन में 1 टेबलस्पून घी में किशमिश को तल लेंगे। देखिए यहाँ पर ये फूल चुके, अब इसको निकाल लेंगे। अब उसी में हम थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता, अगर आपको पसंद है तो काजू भी डाल सकते हैं, पिस्ता काजू। इसको भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे और निकाल के रख लेंगे। अब उसी में 1 मोर टेबल स्पून घी डालेंगे और अपना बादाम मिल्क पाउडर डाल देंगे। ये MTR वाला बादाम मिल्क पाउडर है। जब ये थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे तब इसमें हम 1 कप शक्कर डाल देंगे और फिर से इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये जल्दी से बर्न हो जाएगा, इसलिए कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा। अब शक्कर को 2 मिनट के लिए मिलाकर पका लेंगे। अब इसमें 2 कप दूध डालेंगे। मैं यहाँ पर गर्म वाला दूध ले रही हूँ ताकि काम जो है आसानी से बन जाए। अब इसको कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे। हम सारा प्रोसेस सिम पे ही कर रहे हैं। इस तरह हम चलाते जाएंगे। अगर आप बादाम मिल्क पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ओवरनाइट के लिए या फिर एटलीस्ट 4 से 5 आवर्स के लिए बादाम को सोक कीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए। या फिर अगर आपके पास सोक करने का टाइम नहीं है तो बादाम को पाउडर करके यूज़ कर सकते। लगभग 15 से 20 मिनट से ये मीडियम से सिम पे मैं पका रही हूँ। देखिए इस तरह जब ये थिक हो जाए तब इसमें हम 1 मोर टेबल स्पून घी डालेंगे। आप अगर सैफ्रॉन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं या फिर फूड कलर पसंद हो तो। अब इसको और 5 मोर मिनट्स के लिए पका लेंगे। 5 मिनट्स के बाद हम 1 पिंच इलायची पाउडर डाल देंगे। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा थिक हो जाएगा। अब इसमें हम अपने तलकर रखे हुए काजू बादाम पिस्ता वाला मिक्सचर डाल देंगे। क्योंकि हम मिल्क पाउडर ले रहे हैं बादाम मिल्क वाला, इसी उसमें दूध सॉरी शक्कर मिला हुआ होता है, इसीलिए अगर आप शक्कर ज़्यादा पसंद करते हैं तो शक्कर और मिल्क पाउडर 1:1 रेशो के हिसाब से लीजिए। या फिर बिना शक्कर के कर सकते हैं, या 1 कप मिल्क पाउडर के लिए 1/2 कप शक्कर काफ़ी होता है। अब हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। ठंडा होने के बाद देखिए किस तरह ये पाउडर के जैसे बन गया। आप चाहे तो घी ज़्यादा डालकर इसको बर्फ़ी के जैसे बना सकते हैं या इस तरह लड्डू का शेप दे सकते हैं। बादाम मिल्क से सिर्फ मिल्क में मिलाकर पीने से कभी कभी बोर लगता है, इस तरह न्यू वेराइटी ट्राई कीजिए। बन गए हमारे सिंपल बादाम के लड्डू। ट्राई ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। प्लीज़ लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।